कि दो व्यक्ति जिनमें से एक युवक और एक युवती है, इनकी उम्र लगभग 23 से 25 वर्ष है, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। एक जांच में यह ज्ञात हुआ है कि ये इन दोनों का प्रेम प्रसंग काफी लंबे समय से चल रहा था। एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक दूसरे से कई सालों से बेहद प्यार करते थे। प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमिका के घर चला जाता है। फिर क्या था, प्रेमी तमंचा निकालकर प्रेमिका को गोली मार देता है। गोली लगने से प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर उसके बाद अपने आप को भी गोली मार लेता है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि लड़के के घर वाले कहते हैं कि लड़की के घर वालों ने लड़का और लड़की को गोली मार दिया है, और लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि लड़का ने खुद लड़की को गोली मारा, उसके बाद अपने आप को भी गोली मार लिया। तो ऐसी कौन सी वजह थी तो उस प्रेमी ने अपने प्रेमिका की हत्या कर दी। यकीन मानिए ये घटना आपके दिल को झकझोर के रख देगा और सोचने पे मजबूर कर देगा, आखिरकार लड़का ने गोली या लड़की को मारा या लड़की के घर वालों ने लड़का लड़की को मारा। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और कहां का ये घटना है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सांभल जिले के चंदौसी कोतवाली इलाके के गांव मिलक मोलगढ़ की है। आप सभी को बता दें कि एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से कई सालों से बेहद प्यार करते थे। प्रेमी स्कूल में बागवानी का काम करता था और दोनों लड़का लड़की एक ही बिरादरी के थे। बता दें कि सुबह 5 बजे के करीब प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमिका के घर चला गया। फिर क्या था, उसी समय प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद प्रेमी युवक का शव दूसरे मकान के छत पर पड़ा मिला। प्रेमी के सीने में गोली लगी हुई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी और तमंचा शव के पास में पड़ा हुआ था। जैसे ही घटना का पता चला तो अगल बगल के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी आलोक जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा, फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जांच के बाद लड़के के घर वालों के तरफ से कहना है कि लड़की के घर वालों ने लड़का और लड़की की हत्या कर दिया। और वही लड़की के घर वालों का कहना है कि लड़का ने पहले मारी लड़की की हत्या कर दी, उसके बाद उसने अपने आप को भी गोली मार ली। अब सभी को बता दे कि पुलिस ने प्रेमिका के भाई व पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और घटना स्थल को देखकर आनर किलिंग की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगा कि आनर किलिंग है या प्रेमी के द्वारा हत्या कर आत्महत्या की घटना का अंजाम दिया गया। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, प्रेमी ने ही अपने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने आप को भी गोली मार लिया, या फिर प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी। आप सभी का क्या राय इस वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके आस पास होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं पर नजर बनाए रखे, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं क्राइम के किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।